नमस्कार, स्वागत है आपका एसीएन भारत में और मैं हूं आपके साथ प्रिंसी जैन। कुछ आगे बात करें पर उसके पहले एसीएन भारत के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष इंदौर में भी मनाया जा रहा है और खजराना गणेश मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ चुकी है। हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धालु खजराना गणेश मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने नववर्ष की शुरुआत की। जिस तरीके से आरती पूजन कर हर साल करते हैं, वही रिवाज इस बार भी कायम रहा। इसी पर हम जुड़ेंगे भरत पाटिल से, जो ग्राउंड पर मौजूद हैं, खजराना गणेश मंदिर में वो मौजूद हैं। उनके साथ हम जुड़ेंगे। भरत, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी क्या कुछ वहाँ माहौल बना हुआ है? नववर्ष आज पहली तारीख है इस साल की, 2022 की पहली तारीख है, क्या कुछ वहाँ माहौल बना हुआ है? देखिए, नए साल का आगाज हो चुका है और आप देख सकते हैं कि नए वर्ष के, क्योंकि मान्यता है भगवान गणेश की, भगवान गणेश को जो है प्रथम पूजा जाता है और भगवान गणेश को हर शुभ कार्य में प्रथम माना जाता है। आज नए साल का मौका है, आज पहला दिन है नए साल का और इसी में मान्यता है कि जो शहरवासी हैं हमारे, वो जो है नए वर्ष पर भगवान गणेश के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। और ख़ास तौर पर ये मान्यता है भगवान गणेश कर की कि ये काफ़ी सिद्ध भगवान गणेश का मंदिर है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालाँकि कोविड को देखते हुए प्रशासन व्यवस्थाएँ कर रहा है, बिना मास्क को लेकर के किसी को भी आने की मंदिर में अनुमति नहीं है। खास तौर पर अगर बात करें तो चार अलग अलग रेलिंग और बैरिकेडिंग की गई है और लोगों को जो है बैरिकेडिंग के साथ भगवान के दर्शन करना है। साथ ही लोग जो अनाउंसमेंट करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं लोगों को समझाइश और अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है जो दर्शनार्थी है उनको, भैया आप भी यहाँ पर जो है दर्शनार्थियों को लगातार अनाउंसमेंट करके मास्क और लगातार बोलते हैं जी। कैसा देख रहे हैं? मतलब हमारा तो, मेरा नाम पहले तो सन्नी रायकवार है, थाना खजराना, और नगर सुरक्षा समिति में कार्य करते करते मुझे 5 से 6 साल के समथिंग हो गया। आज की किस तरह की व्यवस्था देख रहे हैं, कैसे संभाल रहे हैं? क्या होता है, 31st की रात से ही श्रद्धालु लोग चालू हो जाते हैं 12 बजे रात से, तो अगले दिन 1 तारीख की रात तक 12 बजे तक कार्य चलते रहता है। कितने श्रद्धालु आए? कम से कम हर साल का नियम है 8 से 10 लाख के समथिंग आते हैं। बाकी इस बार कोविड को लेकर थोड़ा पब्लिक ने समझदारी दिखाई है तो इस बार थोड़ा सा व्यक्ति कम आए यहाँ पर। वाकई देखिए, दर्शनों के लिए लोग पहुँच रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान के दर्शन किए जा रहे हैं, मनोकामनाएं मांगी जा रही हैं, पूजा जा रहा है और यहाँ पर जो मंदिर सेवादार है, जो मंदिर के समिति के पंडित है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर, कैसे देख रहे हैं आज, कितनी यहाँ पर व्यवस्थाएँ की गई है, किस तरह के हालात, क्योंकि कोविड को लेकर के क्या तैयारियाँ आप क्या देख रहे हैं? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो गुरु जी भी है कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि कोरोना काल है, आज मंदिर समिति ने किस तरह की तैयारियां रखी हुई है और आज किस तरह का श्रृंगार और किस तरह की यहां पर आयोजन है? आज भगवान श्री गणेश जी महाराज का विजय श्रृंगार किया गया है। भरत, यहाँ पे मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, किस तरीके से सुरक्षा निगरानी रखी गई है, मास्क प्रोटोकॉल, जो कोविड प्रोटोकॉल है, उनका कैसे पालन किया जा रहा है लोगों? सबको सद्बुद्धि देकर सबको देखिए, कोविड को लेकर के बात करें तो जैसे गुरुजी ने बताया कि व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर कोविड नियमों का, बिल्कुल जैसे कि प्रिंसी हम कोविड की अगर बात करें तो कोविड को लेकर के व्यवस्थाएं की गई है। लोग बिना मास्क के यहाँ पर जो है एंट्री नहीं दी जा रही है, लोग मास्क लगाए हुए हैं। सुरक्षा इंतजाम में स्थानीय पुलिस के साथ साथ नगर सुरक्षा समिति और मंदिर समिति के लोग भी यहाँ पर मौजूद है। और ख़ास अगर हम बात करें तो हमारे साथ एक बार फिर गुरुजी यहाँ पर जुड़ेंगे, हम गुरुजी से बात करेंगे। गुरुजी कैसे देख रहे हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ तैयारियाँ हैं? ये सुरक्षा की दृष्टि से आज सरकार ने मंदिर में मतलब बहुत सारे अधिकारियों, पुलिस वाले सब लोग लगा रखे हैं गार्ड के, मतलब किसी को बीमारी फैले नहीं है, सबको बिना मास्क के किसी को अपन अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। अभी जो मास्क पहन के रखे उन्हीं को दी जा रही है और व्यवस्था मतलब लगे तो बढ़िया है। तो ये साफ है कि भगवान गणेश को के दर्शनों के लिए जो है श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लोगों में यहाँ पे अति उत्साह भी है और ये माना जा रहा है कि भगवान गणेश के आज प्रथम दर्शन करने के बाद उनके पूरे साल की जो शुरुआत है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। हम कुछ जो दर्शन करने पहुँचे उनसे भी चर्चा करेंगे कि आप लोग यहाँ दर्शन के लिए आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो ये तमाम जो व्यवस्थाएँ हैं वो यहाँ पर की जा रही है। भगवान के श्रृंगार की अगर हम बात करें तो आज देखिए भगवान का अद्भुत श्रृंगार है और एक अलग ही स्वरूप भगवान का दिख रहा है, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि क्योंकि कोविड का भी समय है
तो आप आगे बढ़ते चलिए, ये भी लोगों से कहा जा रहा है। और यहाँ पर हम कुछ जो दर्शन करने लोग आए हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। मैडम, आप दर्शन के लिए आए हैं आज? मैं क्या बोलूँ, क्या लग रहा है आप दर्शन के लिए आए, क्या मनोकामनाएं मांग रही हैं क्या? बस नया साल अच्छा रहे और यही सब मांग रही हूँ मैं, कि आने वाली खुशियाँ सब मिले सबको और आने वाला साल सबके लिए बहुत अच्छा रहे। सर, कोरोना काल है, आप मास्क का उपयोग करें सबसे पहले, तो हम भी दाद देंगे कि मास्क पहने। और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज दर्शन जो मास्क नहीं लगाया था, बाकी तो बाबा का नया साल है, सबको बधाई हो, सबके लिए अच्छा मंगल कार्य हो। वाकई सब मंगल कार्य हो, सबके लिए अच्छी बधाई हो, लोगों के जो है मनोकामना मांग रहे हैं। और ये खास तौर पर ये भी मनोकामना मांग रहे हैं कि भगवान गणेश के दर्शनों के बाद ये जो पूरा साल है ये काफ़ी शुभ रहेगा लोगों के लिए भी, और काफ़ी जो कोरोना काल को देखते हो, क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर व्यवस्थाएँ इसलिए खास तौर पर भी की गई है क्योंकि कल जिस तरह से वैष्णो देवी में हमने देखा कि एक बड़ा हादसा हुआ है जहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पहुँच गए थे और एकदम से अचानक भगदड़ मच गई और कई दर्शनार्थियों की उस घटना में मौत हुई। इसको खास तौर पर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा, इस को लेकर के खास तौर पर, क्योंकि भगदड़ ना मचे इसलिए बैरिकेडेड रेलिंग की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों में भगदड़ ना हो और भगवान गणेश के जो है वो दर्शन भी हो सके, क्योंकि लोगों की जो मनोकामनाएँ हैं, लोगों की जो आस्था भगवान में है वो भी रहे और कोविड प्रोटोकॉल भी रहे और तमाम इंतजाम भी पुलिस ने और प्रशासन ने यहाँ पर कर रहे हैं। प्रिंसी भरत, यहाँ एक सवाल मुझे आपसे यातायात को लेकर भी पूछना है, यातायात के लिए वन वे तैयार किया गया है, वो क्या कुछ व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा? देखिए, जब हम यहाँ मंदिर परिसर में आ रहे थे तो क्योंकि यातायात को डाइवर्ट किया गया है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो खास तौर पर क्योंकि पार्किंग की यहाँ पर उत्तम व्यवस्था है, काफ़ी बड़ा मैदान है जहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है और लोगों को क्योंकि अलग अलग हर चौराहे पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि लोगों को रास्ता बसा सके। साथ ही क्योंकि यहाँ पर आसपास मंदिर से लगी हुई कई रहवासी इलाका है तो लोगों को भी परेशानी ना हो लोगों के आने तक की, लेकिन ये अनुमान है कि बड़ी संख्या में लोग पहुँचेंगे। तो सुबह 5 बजे से ही जो है यहाँ पर देखा जा रहा था कि श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था और साथ ही श्रद्धालुओं के दर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया था। तो सुबह 5 बजे से ही प्रशासन मुस्तैद था, हालांकि देर रात से ही सारे इंतजाम किए गए थे कि ताकि भीड़ भाड़ ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, दर्शन भी हो सके और नियमों का भी जो है नियमों का भी पालन करा सके और लोगों की आस्था को भी ध्यान में रख सके, इसको लेकर के भी प्रशासन काफी मुस्तैद था। प्रिंसी जी, भरत, आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी जानकारी साझा की है। भरत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से पंडित ने भी आपको बताया और दर्शनार्थी यानी कि श्रद्धालु भी वहां पहुंच रहे हैं। नववर्ष की शुभकामनाएं आप सभी को। खजराना गणेश मंदिर में भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लेने शहरवासी यानी कि श्रद्धालु पहुंचे हैं। गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन नए वेरिएंट को देखते हुए, नए वेरिएंट का खतरा देखते हुए सभी से अपील कर रहा है। सभी शहरवासियों से अपील की जा रही है कि अपना ध्यान रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखिए और उसी के साथ नववर्ष की धूम और नववर्ष का आवाहन कीजिए।